नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रीवा के जने थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 8 वर्षीय पुत्री ने अपने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद रीवा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और पीड़ित बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। रीवा जिले के जने के कलयुगी पिता की करतूत ने मानवता पर कालिक पोत दी है। दरअसल पिता पर अपनी सगी पुत्री के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। बच्ची की मां ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहां आरोपों से घिरे पिता की तलाश शुरू कर दी है। घटना रीवा जिले के जनेही थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां रहने वाले एक युवक पर अपनी 7 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। मां के मुताबिक 30 सितंबर को बच्ची घर में अकेली थी, उसी दौरान पिता ने यह कृत्य किया है। बच्ची ने रोते हुए पिता की करतूत मां को बताई, जिसे सुनकर मां के भी होश उड़ गए। बच्ची को लेकर मां थाने पहुंची और पिता के खिलाफ बलात्कार करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस गई हुई है। आरोपी के मिलने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। दरिंदगी की शिकार बच्ची की हालत खराब हो गई, जिस पर उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। सर, ये 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला है, क्या मामला है सर? देखिए, एक बच्ची के बारे में रिपोर्ट करने उसके घर के लोग आए थे, नाना वगैरह, और उसकी माँ भी आई थी। और उनका ये कहना है कि लड़की के जो अपने सगे जो फादर हैं, जो उनके पिता हैं, उन्होंने जो है वो बच्ची के साथ गलत काम किया है। और घटना दिनांक से जो फादर हैं वो वहाँ से गायब भी हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि घटना सही है। उसमें हम लोग केस रजिस्टर करके और जो भी उसमें लीगल एक्शन होता है वो देंगे, फादर को अरेस्ट करेंगे। सर, बच्ची को सर अस्पताल लाया गया है, भर्ती कराया गया है, तो हालत कैसी होती है? नहीं, अभी हालत ठीक है, कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि बच्ची छोटी है और जिस तरह से फादर ही ने कार्रवाई की है, तो उसको साइकोलॉजिकल ज़रूर थोड़ा सा वो है, तो हम लोग उस पूरे उसके जो हेल्थ इश्यूज को देख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, खास खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।